हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको पीईटी और पीएचटी के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताऊंगी कि जब आप फिजिकल देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपने मतलब वहाँ पे जब आप फिजिकल देने के लिए जाओ और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े और उसको अभी आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा लो। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो फर्स्ट एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको अपने फिजिकल की भी ले जानी जो एग्ज़ाम से पहले आपकी रिलीज हो जाएंगी, फिजिकल का एडमिट कार्ड, और जो आपने अभी रिटर्न दिया है, जो भी रिटर्न दिया है उसका भी एडमिट कार्ड आप अच्छे से रखना। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जा रहे हो उसकी ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी, ठीक है, ये दोनों आप लेके जाना। क्योंकि वहाँ पे अगर आप जेरोक्स नहीं लेके जाते हैं तो वो आपको बहुत मतलब बाहर भी दौड़ाएंगे कि आप जाओ इसके जेरोक्स लेकर के आओ, और मतलब आपको ऐसे बोलेंगे और वहाँ पे आपको इमीडिएट मतलब मिलेगा भी नहीं और आप नर्वस भी रहोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल दोनों ही लेके जाना, ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना। और अब आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लो ताकि कभी भी वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो पहला हो गया, मैंने बताया एडमिट कार्ड जो अभी रिटर्न हुआ है वो भी एडमिट कार्ड, और फिजिकल के लिए जो एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड रिलीज होगी वो। सेकंड, क्लास टेंथ की जो एडमिट कार्ड होती है और मार्कशीट होते हैं वो, इनकी ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है। इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, ये मतलब ये क्या बोलते हैं ऑप्शनल है, मतलब आप इसको अच्छे से रखना, मतलब इसका ज़रूरत पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता है, ये आपके जब फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं ले जाना है। क्योंकि फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के टाइम पे होती है, जिन मतलब DME जिसको बोलते हैं उसका नाम ही है डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसी दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी और मेडिकल भी उसी दिन होगी जिस टाइम आपका मेडिकल का एग्जाम होगा। तो इसलिए क्लास टेंथ की सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो भी सकती है नहीं भी। ये तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका ID प्रूफ, ठीक है, ID प्रूफ मतलब आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है जिसमें आपका एड्रेस, पिताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी फ़ोटो, ये सब सारी आपकी ID प्रूफ में होना चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर आधार कार्ड तो अब नेसेसरी हो गया है क्योंकि अब सबके पास आधार कार्ड होता है, तो ID प्रूफ में ये एक आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दो होने चाहिए, ठीक है, दो हो गया। और अब तीसरे नंबर पे आते हैं आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो आप अच्छे मात्रा में ले जाना, ठीक है, ये नहीं कि 4-5 ले जा रहे हैं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी नहीं, फोटो ले जाना क्योंकि फोटो बहुत जगह पे जरूरत होती है। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फोटो की जरूरत पड़ती है। तो अब जो अगली चीज़ है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम सेंट्रल लेवल का है, तो आपका सर्टिफिकेट भी जो है कास्ट का वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उस आपको हाइट में आपको ये चाहिए, एक्स्ट्रा छूट चाहिए होगा तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, तभी एनएक्सएल भी बन सकता है जिससे आपको छूट मिलेगी। एनएक्सएल जिनको भी छूट चाहिए ये जरूर बनवा लें, ठीक है, तो जिससे कि आपको हाइट में एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, जिनकी हाइट मतलब कम है, ठीक है, वो बनवा सकते हैं। और ये सभी के लिए लागू नहीं होता, जिन मतलब कास्ट में छूट के लिए मेंशन किया हुआ है उन्हीं को मिलेगा। तो इन समरी मैं बताऊं कि सबसे पहले एडमिट कार्ड जो आपने SSC GD के रिटर्न के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था वो, और SSC GD के फिजिकल के टाइम पे जो आपको एडमिट कार्ड रिलीज होगी वो दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना है। और एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड भी आप अपने घर पे रख लेना क्योंकि ये कभी भी बाय द वे आपके फ़ोन से डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया तो काम आ सकता है, तो इसको दो आप अपने घर पे रख देना और ओरिजिनल कॉपी ले जाना, ठीक है, और कलर फोटो कॉपी निकालना ताकि वहाँ मतलब साफ साफ दिखे। रिस्क नहीं लेना है आपको क्योंकि जॉब का सवाल है, क्यों जॉब का सवाल है तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और सेफ्टी से बिल्कुल भी काम लेना है क्यों, हम जब है अवेलेबल है सब कुछ, आपको जानकारी हो रही है, आपको सब कुछ पता चल जा रहा है, तो आप बिल्कुल रिस्क मतलब अच्छे से आप अपने सारे चीज़ की कलेक्शन कर लो उसके बाद ही जाओ, ठीक है। तो हो गया एडमिट कार्ड, हो गया 10th क्लास का जो एडमिट कार्ड और मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो, और फिर तीसरा हो गया आपकी ID प्रूफ, और चौथा हो गया आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और पांचवा कास्ट सर्टिफिकेट, और छठा एनेक्सर, ठीक है। तो ये आपने जो एनेक्सर अगर नहीं बनवाया है आप बनवा लो, अगर आपको लगता है कि मेरा तो हो जाएगा SSC GD का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा तो इनका प्रोसेस चालू कर दो, क्योंकि फिजिकल की डेट कभी भी आ सकती है और टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम लगता है, तो फिर आप बनवा के रख लो।
तो गाइस बहुत सारे भाइयों एवं बहनों का आया था कि फिजिकल में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उनकी वीडियो बना दो, और गर्ल्स के लिए मेडिकल डिटेल मेडिकल क्या होते हैं उनके बारे में बता दो, और फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, कब से करनी है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगी, और डिटेल मेडिकल जो गर्ल्स के लिए होते हैं स्पेशली उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको जल्द तुरंत पता चल जाए। और अगर गाइस वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप योर लव एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।